केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, चार इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। लेविस थ्योरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स हो गए, अभी इसकी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस। इसके एप्लीकेशंस में हमने हाइड्रोजन पढ़ लिया, हीलियम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल पढ़ लिया, लिथियम भी हमने पढ़ लिया, नाइट्रोजन भी पढ़ लिया। अभी हम शुरू करते हैं ऑक्सीजन और आखिर में फ्लोरीन के साथ इस थ्योरी को कंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस, किसके एप्लीकेशंस? एमओटी थ्योरी के। तो फिफ्थ जो एप्लीकेशन है ऑक्सीजन O2, तो इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एनर्जी लेवल डायग्राम, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p, x, y, z, सिंगल सिंगल, फिर इसके बाद डबल, 1s2, 2s2, 2p, x, y, z, पहले सिंगल सिंगल, फिर इसके बाद डबल डबल, अकॉर्डिंग टू उंड्स रूल। तो पहले 1s और लेप करते हैं, फिर 2s और लेप करते हैं, और आखिर में 2p और लेप करते हैं। तो पहले 1s और लेप करते हैं। शेल के अंदर, सब शेल के अंदर स्फेरिकल ऑर्बिटल है, स्फेरिकल ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s, और इसका भी 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s। अब ये 1s ऐसे ऐसे जब नजदीक आ रहे हैं, हेट रेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन एक एक वहाँ एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, दोनों क्लॉकवाइज है, इसी वजह से अनस्टेबल है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो ये क्या है? सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, 1s हो गया। अब 1s उसके बाद 2s ओवरलैप हो जाते हैं, तो 2s स्फेरिकल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो जाता है, दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, इसी वजह से अनस्टेबल है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद 2p तीन ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं, 2p तीन ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो जाते हैं। तो 2p के 1, 2, 3, इसको हम क्या कहते हैं? 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर डबल। अब जब ये ओवरलैप हो जाते हैं, py, pz साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, px, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा अब py ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड और px हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं,
तो ये क्या है, सिग्मा 2P x, और ये सिग्मा स्टार 2P x पाई 2P y पाई 2P z पाई स्टार 2P y पाई स्टार 2P z। तो यहां पे जो PX है, जब ओवरलैपिंग जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जाता है, और एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MT रह जाता है। ये एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। PY साइड साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो PY दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, PZ के एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, PZ इसका एक यहां पे आ जाता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे PZ के अंदर ट्रांसफर जाता है। हमें मालूम है दोनों जो है एंटी क्लॉकवाइज या दोनों क्लॉकवाइज। यहां पे अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, तो दोनों को हमने सेपरेट सेपरेटली मेंशन करना है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सेम शेप सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स को हम पुट करेंगे, किस रूल्स के मुताबिक, ओम्स रूल के मुताबिक। ओम्स रूल ये कहता है अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो तो हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, तो बजाय दोनों इलेक्ट्रॉन्स जेड के अंदर हो तो दोनों को हम एक वाई के अंदर और एक पी के अंदर फिल करते हैं एक रूल के मुताबिक, उस रूल को हम क्या कहते हैं, ओम्स रूल कहते हैं। अब यहां पे MOT थ्योरी का जो मेन पॉइंट है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेड इलेक्ट्रॉन, एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेड इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है अनपेड है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, चाहे बॉन्डिंग में हो या एंटीबॉन्डिंग में हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, उस सब्सटेंस को अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस है, द सब्सटेंसेस कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। अब पैरामैग्नेटिज्म का आइडिया हमें कौन दे रहा है, MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो मेन एप्लीकेशन है वो है हमें ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म बता रहा है। अब इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड बना सकता है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बॉन्डिंग में है। एंटीबॉन्डिंग में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइडेड बाय 2, 10 माइनस 6, 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 4। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। और इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टुवर्ड्स हाई एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू ऑफ बा प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं, सिग्मा 1s इज लेस देन इन एनर्जी, सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज लेस देन सिग्मा 2p x इज लेस देन पाई 2p y इज इक्वल टू पाई 2p z। ये दोनों एनर्जी में बराबर हैं, दोनों को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इज लेस देन पाई स्टार 2p y इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z और इज लेस देन सिग्मा स्टार 2p x। तो इस थ्योरी में जो एप्लीकेशन है, ऑक्सीजन कौन सा सब्सटेंस है, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। द सब्सटेंस इज
कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन इन अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड फील्ड उन्होंने स्पिनोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और स्पिनम नाउ कम क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। तो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिज्म आगे कौन बता रहा है ए मोटी थ्योरी। थैंक यू।